This video is sponsored by One Football application that is my go-to stop for all kinds of news related to football. अगर आपको भी ऐसे football के बारे में सब कुछ जानना है तो One Football से बेहतर कोई भी place नहीं है because over there you will find all the latest news surrounding your club, also information about the leagues that you follow. All the information is there well addressed on the One Football application. They have all the fixtures update with the lineup, the stats and the live commentary as well. Plus, if you want to stay in touch with what is happening in the transfer market, One Football is the place to go to. So what are you waiting for? Go down into my description, click on the link and download One Football application from over there. कितने प्रतिशत जर्मन फैंस को ये लगता है कि जर्मनी जाके वर्ल्ड कप जीत जाएगी? कितने प्रतिशत जर्मन फैंस को हांसी फ्लिक पे बहुत ज्यादा घमंड है? एक ऐसे मैनेजर पे घमंड है जो कि यस ऑब्वियसली बहुत कुछ उखाड़े हैं बायर्न म्यूनिख पे, बट देन बायर्न पे एक सेटल्ड स्क्वाड, एक सेटल्ड प्रॉपर गोल स्कोरर के रूप में, एक प्रॉपर रॉम डॉटर थॉमस मुलर के रूप में आपको टीम मिलती है विद अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर एंड एवरीथिंग। आपने सेक्सटपल जीता, आपने हर एक चीज की। जर्मनी पे इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ टोटली डिफरेंट ग्रेवी। जब हांसी फ्लिक आते हैं यहाँ पे, जर्मनी का स्क्वाड को अपनाते हैं आफ्टर द यूरोज में अबिस्मल रन जोकिम लो के बाद, उनका रन बहुत ही तगड़ा रहता है बिकॉज वो फेस कर रहे हैं लीस्टाइन को, आर्मेनिया को, रोमेनिया को, ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स टीम को रौंद रहे हैं, नॉर्थ मैसेडोनिया को पेल रहे हैं। बंदे खुश, फैंस वाह वाह। अगर तुम्हें लगता है कि जर्मनी सेटल्ड है और जर्मनी बुंड फाड़ने वाली वर्ल्ड कप में, तो एक बार मिरर में जाके ऑनेस्टली अपने आप से पूछो कि क्या यार मैं अंधभक्त हूं या मैं प्रैक्टिकली चीजों को देख रहा हूं। क्या एक जर्मनी फैन यहां पे कह सकता है नहीं भाई जर्मनी बेस्ट है? बाबा, स्क्वाड अच्छा होना अलग बात है, मैनेजर अच्छा होना अलग बात है, और एक टीम का रेपुटेशन होना भी अलग बात है ऑब्वियसली। बट एक बात मुझे आंख बंद करके बताना तुम लोग ढंग से सोच के, कि क्या अगर ये जर्मनी ना होगी, कोई एनी अदर वर्ल्ड कप टीम होती, तो वुड दे हैव द सेम थ्रेट राइट नाउ? ठीक है, डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट। मैं क्या हूं, मैं तो भौंकता हूं, राइट? बकवास करते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। आगे के मैचेस देखो, जैसे जर्मनी ने एक बेटर टैक्टिकल टीम, एक बेटर डिफेंसिव सेटअप ऑर्गेनाइज्ड टीम के अगेंस्ट मैचेस खेले, हांसी फ्लिक की टीम जर्मनी ने, आपने देखा हंगरी के अगेंस्ट दे स्ट्रगल्ड रियली बैड। पिछला वाला गेम था, फर्स्ट हाफ में जर्मनी दिख ही नहीं रही थी कि वो जर्मनी खेल रही है, सेकंड हाफ में थोड़ा सा बेटर। इंग्लैंड के अगेंस्ट 2-0 की लीड लेके फेंक डाली, उसके बाद से दे केम अप अगेंस्ट द नीदरलैंड, बेहतरीन मैचेस इन्होंने खेले, बट नो रिजल्ट्स, ड्रॉज। हर मैचेस में, पिछले 7 मैचेस में एक भी क्लीन शीट नहीं है, देर इज सम प्रॉब्लम। और मैं यहाँ पे जर्मनी की बुराई करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने आया हूँ कि जर्मनी की प्रॉब्लम्स क्या है एंड कैसे उनको सॉल्व किया जाए, क्या क्या चीज़ें हैं जो जर्मनी में अभी गलत हो रही हैं एंड क्या मेजर प्रॉब्लम्स है जो हांसी फ्लिक की ये साइड फेस कर रही है। एवरीबडी नोज कि वो एक प्रॉपर फोकल पॉइंट की कमी है। जर्मन जो हांसी फ्लिक अपना जो गेम प्ले इंस्टिंक्ट करना चाह रहा है यहाँ पे, क्विक पोजिशन बेस्ड फुटबॉल, जो वन टच गिव एंड गोज है, ट्रांजिशन में क्विक रहना, वर्टिकैलिटी मेंटेन करना और एक प्रॉपर फाइनल पास डालना टू योर प्लेयर इन काय हैवर्ट्ज अप टॉप, गोल स्कोर करना, वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज व्हेन यू डोंट प्ले विद अ प्रॉपर नंबर 9 जो कि गोल स्कोरर है, तो आपको अपने फॉरवर्ड प्लेयर के पैरों पे बॉल डालना है सो दैट ही कैन फिनिश द गोल, क्योंकि विदाउट दैट आप नहीं बना सकते गोल। और जर्मनी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है दैट दे ट्राई टू परफेक्ट एवरीथिंग, हर एक चीज को उनको अप टिल द लास्ट लेवल ऑफ परफेक्शन करना है बिकॉज अदरवाइज दे कांट स्कोर देयर गोल्स। बिकॉज सबसे सिंपल बात, जर्मनी की टीम में सिमिलर प्लेयर्स बहुत है। अप टॉप तुम देखोगे दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एंड क्वालिटी प्लेयर्स बट नोबडी टू फिनिश दोज गोल्स। चांसेस पे चांसेस जर्मनी बनाती बट दे आर नॉट एबल टू फिनिश इट। सेम चीज हो रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट भी एंड लेटली एंड सैडली दे आर नॉट इवन एबल टू क्रिएट द चांसेस। और इसका बहुत बड़ा रीजन है एक चीज की, कहीं ना कहीं फ्लिक को अपना मेन इंपॉर्टेंट या फर्स्ट 11 अभी तक पता नहीं चला है बिकॉज फ्लिक के आने के बाद से ऑब्वियसली दे हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग। और तुम करोगे, नया मैनेजर आता है, आप पास मौका है, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप बैक 3 में जा रहे हो, आप बैक 4 में जा रहे हो, आप 4-2-3-1 खिला रहे हो, आप मिड में वेरिएशन ला रहे हो, आप व्हाटएवर, ठीक है, आप फ्रंट 3 में आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आप टीमो वर्नर खिला रहे हो, साने खिला रहे हो, मुलर खिला रहे हो, कि आप मुसियाला खिला रहे हो, कि आप गनाबरी खिला रहे हो, 5 प्लेयर हैं आपको 3 चूज करना, आपने अभी तक सेटल नहीं किया, अब जोनास हॉफमैन को अपनी टीम में राइट बैक से राइट विंगर तक का रोल सब कुछ खिला लिए हो, आई डू नॉट हैव एनी आंसर कि वो बंदा वहां पे क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेट मी टेक यू बैक टू द यूरोज़।
ठीक है, जर्मनी जब यूरोज में खेली थी, बढ़िया गेम था यार, जर्मनी यूरोज में अच्छा खेली, ठीक है फाइन। तो जर्मनी का यूरो में सेटअप था ये बैक थ्री फॉर्मेशन, जहां पे किमिक राइट विंग बैक का रोल खेले थे विद गुंडोगन एंड क्रूज इन द मिडफील्ड एंड गोजेंस ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन, यहां पे गोजेंस फाड़ रहे थे। अप टॉप दे हैड गनाब्री, काय हेविट्स एंड थॉमस मुलर, ठीक है, जिसमें कि बेंच से आपके पास साने एंड आपके पास गनाब्री बेंच से आते हैं, तो टीमो वर्नर बेन से आते हैं, तो यू हैड दीज प्लेयर्स, ठीक है। डिफेंस आपका सॉलिड था, गिंटर, हुमल्स एंड रूडिगर के साथ। अभी आपका एक डिफेंस न्यू पेयरिंग बन रही है, बिकॉज आप सूले, श्लॉटरबेक, रूडिगर इनको खिला रहे हो, तो इनके बीच में भी वो केमिस्ट्री, वो पेयरिंग नहीं बनी हुई अभी। तो जर्मनी के लिए हर एक प्रॉब्लम एक साथ आ रही है, नया मैनेजर, नया स्क्वाड, लैक ऑफ डायरेक्ट गेम प्ले, सब कुछ एक साथ चढ़ रहा है, बिकॉज उनको अडैप्ट भी कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई, दैट दे लेफ्ट दिस नेशंस लीग, ये पूरा जो इंटरनेशनल ब्रेक हुआ है, हाफ वे इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके मन में खुन्नस है यार, शिट यार हम ये कर नहीं पाए, बिकॉज तुमको पता है अभी इसके बाद वो क्लब पे फोकस हो जाएंगे, पूरा पूरा ध्यान क्लब पे जाएगा, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक अदरवाइज। वो भी अभी वो जर्मनी के बारे में फोकस नहीं करेंगे, मुलर एंड एनीवन, जो भी यहाँ पे प्लेयर्स है, साने, हैवर्ट्स एंड एनीवन, ये जर्मनी के बारे में नहीं सोचेंगे, इनका अब फोकस टर्न हो रहा है क्लब फुटबॉल पे, बिकॉज भाई वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब तुम ये सोचो कि यहां से यहां तक इन्होंने अभी नेशनल गेम्स खेले अपने, अब यहां से वो क्लब फुटबॉल खेलेंगे, और अचानक से दे हैव टू स्विच एंड गो बैक टू द सेम ओल्ड शिट, तो इनको वहीं से उठाना पड़ेगा। अभी यहां पे जो करंट सिनेरियो है जर्मनी की, इट्स नॉट दैट गुड। तो तुम इमेजिन करो यही सब चीजें वर्ल्ड कप में कंटिन्यू होने की बहुत बड़ी क्षमता है, ठीक है। तुम जर्मनी और इंग्लैंड का गेम भी उठा के देख लो, उन्होंने क्या किया जर्मन वाले गेम में, ठीक है। काय हेविट्स का बहुत ही बुंड फाड़ गेम था, ठीक है भाई, ठीक है, हैंड्स डाउन काय हेविट्स मेरे लिए स्टार्ट करेगा इस टीम में, कुछ भी हो, कोई भी बंदा खेले ना खेले, काय हेविट्स विल प्ले। मुसियाला भाई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि मुसियाला खेल रहा है, साने खेल रहा है कि मुलर खेल रहा है, तो मुसियाला का खेलना इन दो प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। वुड यू प्ले मुसियाला नाउ इन दिस टीम? आई वुड गो फॉर रादर एक्सपीरियंस थॉमस मुलर इन दिस टीम, सच बताऊं तो मैं, एंड एक विंगर पेसी आउटलेट इन साने। तुमको नहीं पता, फैथम नहीं कर सकते तुम कि कितना इंपॉर्टेंट है एक रनर इन बिहाइंड, क्योंकि तुम फ्रंट थ्री में स्टैग्नेशन ले आओगे इन काय हेविट्स, मुसियाला एंड मुलर, ऑलमोस्ट थोड़ी सी सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर्स हो जाएंगे फ्रंट थ्री में, खत्म हो जाएगा भाई, बिकॉज आपने वो परफेक्शन लाया नहीं, टीम के बीच में केमिस्ट्री लाई नहीं, एंड देन वॉट यू हैव टू डू इज फाइंड दैट परफेक्ट पास टूवर्ड्स द वेरी एंड फॉर यू टू स्कोर द गोल्स। You don't have a direct outlet, और टीम में डायरेक्ट आउटलेट होना बहुत जरूरी है। You need to get Sané in, you need to even get Timo Werner in the team, because squad में आपके पास depth नहीं है। किसको replace करोगे तुम यहाँ पे? Sané को मैं कहता हूँ, but bench करो, किसको replace करोगे तुम? कौन ला सकते हो तुम साने की जगह पे? There aren't many German players out there जो कि अभी वेट कर रहे हैं, भाई ये बंदा आउट हो तो मैं इसकी जगह पे खेलूं। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। गनाबरी का फॉर्म बहुत खराब है, साने इन एंड आउट है, स्टिल डूइंग बेटर। मुलर हैं जो कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं टीम में। मुसियाला इज द गाय जो कि हार्ट एंड कोर है बायर्न म्यूनिख की टीम का और इस जर्मनी की टीम का, बट देन हु आर यू गोना प्ले? क्या होगा वो मिडफील्ड? मेरे लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि बिकॉज वो दे आर वेरी मच अफिक्शिएटेड ऑन हॉफमैन, उनको वो राइट बैक का इशू है, बिकॉज केहरर के टीम में होने से आपको डिफेंसिव सॉलिडिटी मिलती है, ही इज अ बेटर डिफेंडर दैन ही इज एन अटैकर, बट जर्मन्स दे हैव ऑलवेज यूटिलाइज देयर फुल बैक्स वाइल अटैकिंग। जब बैक थ्री में आप खेल रहे हो तो जो आपके राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक है, उनको अटैक करने ही कर रहे हैं, कहरे से वो नहीं होगा। राउम डज अ वेरी गुड जॉब, राउम इज गुड इन ऑफेंस एंड इन डिफेंस एज वेल। तो अब गोसेंस की जगह पर अगर आप राउम खिला रहे हो तो ठीक है, स्टिल आई कैन रैप माई हेड अराउंड द फैक्ट, मैं कर लूंगा, बट राइट पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बिकॉज दैट पोजिशन नीड्स टू बी इम्प्रूव। उसके लिए यू कैन गो विथ किमिख at that position, because वो बंदा intelligent है, वो वहाँ पे खेल लेगा। All he has to do is to be in the right place at the right time. England के game में भी यही scene हो रहा था। Germans they were trying and trying, वो integrate passes कर रहे हैं, वो combinations कर रहे हैं, वो movement कर रहे हैं, वहाँ से Kai Havertz drop कर रहा है, वहाँ से Muller drop कर रहा है, वो आप link up कर रहे हो। End में पता क्या होता है? First shot Kimmich मारते हैं वहाँ पे goal पे। तो भाई ये क्या है? मतलब ये क्या? आप इतना कुछ ट्राई कर रहे हो, बिकॉज इंग्लैंड सॉलिड है ना यार, डिफेंसिवली एटलीस्ट दे आर सॉलिड। वो बैक थ्री, वो बैठे हुए हैं, उसे डिबैक करें, उनको क्या फर्क पड़ता है? तुम उनके सामने गेड़िया मारो, मारो गेड़िया, तुम टिकट का खेलोगे सामने, डजेंट रियली मैटर। इंग्लैंड वोंट ब्रेक अ स्वेट बिकॉज दे आर सॉलिड। वो लो ब्लॉक में बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि तुम चढ़ो, और क्योंकि आपके दो मिडफील्डर्स, आपके पास जो गुंडोगन है, आप पास किमिक है, वो जब पुश कर रहे हैं अप टॉप, तो इंग्लैंड तो और खुश हो रही है कि भाई चढ़ मेरे पे। अगर पोजीशन ओवरटर्न होगा, बेलिंगम बॉल डालेगा, एंड बेलिंगम फाड़ रहा था भाई, बेलिंगम ने ऐसे ऐसे पासेस निकाले, तुम भाई मैच दोबारा देखोगे, तुम बेलिंगम के लिए खड़े होकर ताली बजाओगे। बेलिंगम ने खड़े खड़े इस पूरी जर्मन नेशनल टीम को भाई खटिया खड़ी कर दी। वो जो डिफेंस में बॉल विन कर रहा है, इंटरसेप्शन मार रहा है, इन गेम हाई 3 इंटरसेप्शन रिकवरीज,
बॉल लेकर रन कर रहा है फॉरवर्ड एंड लिंकअप कर रहा है, और सिर्फ क्लियरेंस नहीं है बेलिंगम का कि बॉल विन करके क्लियर कर दे रहा है, ही इज फाइंडिंग द राइट पास इन द राइट आउटलेट, स्टर्लिंग को बॉल देना, केन को बॉल डालना, केन वापस स्टर्लिंग को बॉल डाल रहे हैं, रन कर रहे हैं, और जर्मनी पूरी चढ़ी हुई अप टॉप, मिडफील्डर्स प्रेस किए हुए हैं अप टॉप, फुल बैक्स पुश किए हुए हैं अप टॉप, अब इंग्लैंड को के हाथों में गेम दे रहे हो अपना, और वो तो लक है भाई क्योंकि मग्गू खेल रहे हैं वहां पे, तो आप ऑब्वियसली भाई हैरी मैग्वायर है तो आप गोल्स कैसे स्कोर नहीं करोगे, तो का हैवर्ट्ज़ ने गोल मारा ब्रिलियंट, फिर उसे पेनल्टी दे दी जमाल मुसियाला को, तो भाई दैट्स द थिंग, तो जर्मनी वुडंट हैव गॉन 2-0 अप इफ इट वरंट फॉर मैग्वायर, तो ये तो गेम कह सकते हो लक हो गया। आर यू हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ जर्मनी? मतलब आई थिंक इंग्लैंड थ्रेटनिंग ज्यादा थी जर्मनी से, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, तो ऑल ऑफ दैट happened with Germany and currently अगर देखा जाए तो तुम इनकी टीम में अप टॉप मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, a lot of players are moving, क्योंकि अगर तुम देख लो कि काय हेविट्स खेल रहे हैं, अगर आप पास साने हैं, अगर आप पास मुलर है, मुसियाला है, ये सारे प्लेयर्स मूव करते रहते हैं, सो दैट दे कैन कंट्रोल द बॉल, दे कैन टेक द बॉल, और बॉल लेने के बाद से दे स्टिल आर फाइंडिंग कि दूसरा बंदा कहाँ है, मैं उसको पास करूँ, तो उसके लिए बहुत मूवमेंट इन्वॉल्व है, और उस मूवमेंट से क्या हो रहा है कि हर एक प्लेयर की पोजीशन डिफाइंड नहीं है, सो इफ लेट्स से कि मैं मुलर हूं, मुझे बॉल मिलती है और मैं चाहता हूं कि वहां पे बॉक्स में मेरे पास भाई टीमो वर्नर खड़ा रहे और मैं बॉल लेके ढूंढ रहा हूं उसको, ही इज नॉट देयर, तो मेरा अटैक डिसरप्ट हो गया बिकॉज आई अगेन हैव टू मूव द बॉल, मैं दूसरे फ्री मैन पास बॉल जाऊंगा एंड देन मैं मूव करूंगा, तो बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स है जिसकी वजह से कोई एक स्ट्रिक्ट डायरेक्ट गेम प्लान नहीं बन पा रहा है, एंड उसको वो उनको परफेक्ट करना पड़ेगा तभी दे विल बी एबल टू स्कोर द गोल्स, और तुम उनके पिछले मैचेस देख लो यार कितने गोल्स मारे जर्मनी ने, तुम वो इटली वाला 5-2 वाला गेम छोड़ दो यार, वाला गेम एक फ्लू कह सकते हो गया, बट दैट इज द बेस्ट जर्मनी, सो वर्ल्ड कप में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी जर्मनी लैंड कर रही है, अगर वो जर्मनी है जो कि समचोस फुटबॉल खेल रही है, सब कुछ टिक कर रहा है ऑन द डे, अगर सब कुछ टिक करा तो 5 गोल पे लेंगे इटली को भी, डजेंट रियली मैटर, बट बाबा बात ये है ना कि जब आप एक वर्ल्ड कप के लेवल का गेम खेल रहे हो तो वहाँ पे ना डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी एंड डिपेंडेंस ऑन द एरर्स एंड मिस्टेक कमिटेड बाय द अपोजिशन डिफेंडर्स doesn't really matter, ये काउंट नहीं करना चाहिए आपको कि भाई सामने वाला प्लेयर गलती करेगा मैं कैपिटलाइज करूंगा, और ये खासकर जर्मनी से एक्सपेक्ट नहीं है बिकॉज जर्मनी करती यही है, दे कीप द बॉल, दे पास द बॉल एंड दे एक्सपेक्ट द अपोजिशन टू मेक मिस्टेक्स सो दैट दे कैन कैपिटलाइज ऑन दैट, और दे एक्सपेक्ट कि कोई इंडिविजुअल कुछ ब्रिलियंट कर देगा मुसियाला या कि मैं कोई शॉट मार देगा एंड दे वुड कैपिटलाइज ऑन दैट, तो ये वर्ल्ड कप में आप उस लेवल पर नहीं कर सकते, आप क्लब गेम्स में आप कर रहे हो ठीक है फाइन वो तो चलता है, बट इतने इंपॉर्टेंट गेम्स में आप नहीं कर सकते हो, और साथ ही साथ इनकी बहुत बड़ी वीकनेस भी है कि एट टाइम्स दे सीम टू हैव लैक ऑफ आइडियाज, जब सामने वाली टीम एक अच्छा रिएक्शनरी डिफेंसिव डिस्प्ले दिखा रही है उनके पास बचता नहीं है, आइडिया नहीं दिखते इनको करना क्या है, फिर वही चीज़ें होती हैं, पासिंग होती हैं, सामने टीम्स ऑर्गेनाइज है, तुम देख लो पिछले जितने मैचेस इन्होंने खेले हैं, हंगरी के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, नीदरलैंड के अगेंस्ट, दे ऑल ऑफ दीज टीम्स वर बेटर ऑर्गेनाइज, और तुम अगर इनका वर्ल्ड कप का ग्रुप भी देखो, वर्ल्ड कप के ग्रुप में दे हैव गॉट स्पेन, कोस्टारिका और कौन सी टीम है यार हरामखोर, ऑल ऑफ दीज टीम्स आर वेरी वेरी ऑर्गेनाइज, जापान एज वेल, डिफेंस इनका बहुत ऑर्गेनाइज है, एंड भाई तुमको पता है भाई इस तरह के मेजर टूर्नामेंट्स में हर एक टीम दे फोकस मोर ऑन डिफेंसिव अस्ट्यूटनेस दैन दे अटैक, तो भाई उनको वीकनेस पता है जर्मनी की यार, तो वो तो अपना डिफेंस सॉलिड रखेंगे वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, और जर्मनी की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि दे फाइंड देमसेल्फ विदाउट एनी आइडियाज कि सामने का डिफेंस ब्रेक कैसे करें, बिकॉज बहुत नैरो खेल रहे हैं वो, बहुत कन्वर्ज खेलते हैं वो, और अगर तुम उनको सेंट्रल एरियाज में ब्लॉक कर दे रहे हो तो विंग्स एंड साइड से तो अटैक भी करते नहीं है, हॉफमैन एंड राउम अटैक भी नहीं कर रहे बिकॉज आपके पास क्रॉस करने के लिए कोई फोकल पॉइंट नहीं है ऊपर, गेम डन डस्टेड, तो भाई प्रॉब्लम्स तो हैं यार, मैं यहाँ पे जर्मनी को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, अंडररेट नहीं कर रहा हूँ, जर्मनी ऑन एनी गिवन डे जाके तोड़ सकती है वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट टीम को बिकॉज इनके पास ऐसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बट देन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सच अ बिग टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप, तो बाबा दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है, और जर्मन फैंस बी वरिड थोड़ा सा, लिटरली बता रहा हूँ, मैं अगर जर्मनी का फैन होता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं वरिड होता बहुत भयंकर कि बाबा एक तो मेरे पास टीम में बैकअप्स नहीं है, मेरे पास अच्छे सब्सिट्यूट्स नहीं है, एडीएमई है कौन है, तुम कितना खिला लियो एडीएमई को, तुम कितना बिलीव कर लोगे उस बंदे के ऊपर, बहुत मुश्किल है, तो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम काइंड ऑफ वरिड अपॉन जर्मनी, बट आई ट्रस्ट फ्लिक, मुझे पता है कि बंदा हरामखोर है, ही विल कम अप विद अ सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ करेगा, बट देन अब तक दे हैवंट कन्विंस्ड मी, अभी तक उन्होंने मुझे कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिया है of their competence, तो मुझे नहीं पता मैं क्या कह सकता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जर्मनी के लिए, ग्रुप टफ है भाई, ये ग्रुप हरामखोर है, इसमें हो सकती है अपसेट बिकॉज जापान बहुत फाड़ है एशिया में, मुझे लगता है मेरे लिए बेस्ट टीम होगी जापान राइट नाउ, और भाई 45 दिन में ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप कर रहा है, सो हाउ डू जर्मनी गो फ्रॉम बींग पैथेटिक
to being very good in a matter of 45 days where they don't even play a single game of football. Mushkil hai. So, bhai, batao mujhe, what do you think? What do you feel about Germany? What's happening in this squad? Let me know how can they solve their issues and everything. Video pasand aaya, to like zarur kar dena, wo to tumhare pe depend karta hai. Baki YouTube ka algo break karenge, comment karenge aapke man mein jo bhi aa raha hai. Subscribe zarur se karenge channel ko, and I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.